हेलो मेरे प्यार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में क्लास 10 की मैथ बुक की जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम रियल नंबर है का एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आया हूँ। तो आइए इस 1.3 के एक्सरसाइज को एक एक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मीन्स यू हैव टू प्रूव हियर दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट विदाउट हेल्पिंग ऑफ रेशनल नंबर यू कैन नॉट प्रूव इरेशनल नंबर डायरेक्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट हियर। सो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर्स एंड एज यू नो दैट रेशनल नंबर इज इन दैट केस यू विल फाइंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। सो यू कैन राइट हियर रूट 5 इज a upon b, so where a and b are coprime and you will know that in which both numbers you will find as of only one that is called coprimes। means aap is type se likh sakte ho root 5 is equal to a upon b and a upon b jo hai ye sahabhajya hai। sahabhajya ka matlab hua hota hai jiska aap mat sa sirf ek pate ho and you can write here that b is not equal to 0 means आपका जो डिनोमिनेटर जिसे हार बोलते हो यह आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब आ गया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आफ्टर देन यू विल गेट 5 यानी कि जब आप रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 5। a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू कैन राइट हियर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड यू कैन राइट हियर दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 यानी कि ए स्क्वायर जो है ये आपका 5 से क्या है विभाजित है यानी डिविजिबल है। सो यू कैन राइट हियर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर आपका ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ये पावर को हटा देंगे तो भी आपका डिविजिबल होगा। इससे हमने मान दिया इक्वेशन फर्स्ट आपका। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 5m इन दिस इक्वेशन यू हैव टू पुट ए इज इक्वल टू 5m आफ्टर देन यू विल फाइंड 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। सो आफ्टर देन आर यू कैन राइट 5b स्क्वायर 25m स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ओके आर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। सो हियर यू विल फाइंड दैट सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एज लाइक सो यू कैन राइट हियर दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो यू कैन राइट हियर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 मीन्स b स्क्वायर आपका 5 से विभाजित है इसलिए b भी आपका 5 से विभाजित होगा। इसे हमने मान दिया इक्वेशन सेकंड। सो यू विल गेट यू विल फाइंड हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दैट बोथ a एंड b हैज कॉमन फैक्टर 5 मीन्स a हैज ऑल्सो कॉमन फैक्टर 5 एंड b हैज ऑल्सो कॉमन फैक्टर 5। सो यू कैन राइट हियर बट वी एज्यूम्ड एज यू एज्यूम्ड इन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट a एंड b आर को प्राइम्स सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट यानी कि हमने पहले माना ही था कि हमारा a और b जो है वह को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि उसमें HCF सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो a और b दोनों में हमारा 5 से डिवाइड हो जा रहा है। सो यू कैन राइट हियर दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट हमारा जो माना हुआ था वो तथ्य गलत हो गया। हेंस बाई कंट्रेडिक्ट तो इस प्रकार से जब उल्टा आता है तो हम इसको बोलते हैं कंट्रेडिक्ट मेथड या फिर इसको बोलते हैं विपरीत विपरीत लगा करके। जैसे आपने यहाँ पर जो माना था उसका विपरीत आ जाए तो मीन्स आप कह सकते हो दैट इज रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू कंट्रेडिक्ट मेथड यू कैन राइट हियर दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स। आइए हम चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन 3+2√5 इज इरेशनल नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू लेट यू हैव टू लेट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल 3+2√5 इज रेशनल नंबर। सो यू कैन राइट हियर 3+2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल 0। सो यू कैन राइट हियर 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी एंड 3 विल गो इन दिस साइड -3 रूट 5 2 इंटू सो यू कैन राइट हियर 2 अपॉन इन दिस साइड 1/2 इन ब्रैकेट a अपॉन b -3। सो यू विल मल्टीप्लाई इन दिस a अपॉन 2b -3/2। सो यू कैन राइट हियर दैट सिंस दिस a अपॉन 2b -3/2b
इज रेशनल नंबर्स एज यू नो गाइज दैट इन फर्स्ट रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड रेशनल नंबर्स वेन डिफरेंस यू विल फाइंड देन आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड रेशनल नंबर्स ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस दिस इज इक्वल टू दिस सो यू कैन राइट हियर दैट रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स बट वी नो दैट रूट फाइव इज ई रेशनल नंबर्स सो आवर एजम्पन्स इज इन करेक्ट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को माइनस करते हो तो आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है जो डिफरेंस होता है वह भी रेशनल नंबर आएगा तो ये तो रेशनल नंबर आपका आएगा लेकिन ये पूरा इसके इक्वल है इसलिए यह भी रेशनल नंबर होगा बट हम ये जानते हैं कि हमारा रूट फाइव जो है ई रेशनल नंबर होता है इसलिए हमारा माना हुआ जो है कि गलत हो गया सो यू कैन राइट हियर हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड तो कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड से हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज ई रेशनल नंबर्स आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ई रेशनल नंबर्स मीन्स यू हैव गिवेन हियर 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू प्रूव ऑल क्वेश्चंस आर ई रेशनल नंबर्स सो फर्स्ट क्वेश्चंस 1/√2 यू हैव टू प्रूव दिस इज ई रेशनल नंबर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर्स सो यू कैन राइट हियर 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम मीन्स स अभाज्य एंड बी इज नॉट इक्वल 0 मीन्स आपका जो हर है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए सो यू कैन राइट हियर √2 मीन्स आफ्टर इन्वर्टिंग जब इसको आप उल्टेंगे यानी कि अंश जो है हर चला जाएगा और हर जो है अंश चला जाएगा दोनों साइड से सो यू कैन राइट हियर √2/1 सो बी अपॉन ए तो आप यहाँ पे कह सकते हो सिंस बी अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर्स मीन्स बी अपॉन ए ये आपका रेशनल नंबर होगा सो यू कैन राइट हियर √2 इज ए रेशनल नंबर तो इसलिए √2 भी आपका रेशनल नंबर होगा बट वी नो दैट √2 इज ई रेशनल नंबर लेकिन हमें तो ये पता है कि √2 जो है कि आपका ई रेशनल नंबर होता है सो यू कैन राइट हियर दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट यानी कि जो आपका माना हुआ था वो बिल्कुल क्या हो गया आपका गलत हो गया जब आपका कथन गलत हो गया सो यू कैन राइट हियर दैट बाई कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड 1/√2 विल बी ई रेशनल नंबर्स आइए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का 7/√5 तो लेट 7/√5 इज रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट आफ्टर देन यू कैन राइट हियर 7/√5 इज ए अपॉन बी एंड यू हैव टू राइट हियर ऑल्सो इन ब्रैकेट ए एंड बी आर को प्राइम्स वेयर बी इज नॉट इक्वल 0 सो यू कैन राइट हियर 7 × आपका यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई दिया गया है तो 7 इस साइड में अपॉन चला जाएगा सो यू कैन राइट हियर ए अपॉन 7b सो सिंस यू विल राइट हियर ए अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर एज यू नो दैट दिस इज विल बी रेशनल नंबर सो यू कैन से दैट √5 ऑल्सो विल बी रेशनल नंबर बट यू हैव आइडिया यू ऑल नो दैट √5 इज ई रेशनल नंबर्स सो आवर एजम्पशंस इज इन करेक्ट हेंस बाई कंट्राडिक्ट्स मेथड यू कैन से दैट 7/√5 इज ई रेशनल नंबर तो दोस्तों देखिए आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है इस तीसरे क्वेश्चन को आपको लगाना है तो दोस्तों यहाँ पे हमें जब भी ई रेशनल नंबर प्रूव करना है तो बस हमें करना क्या है कि कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड यानी कि उल्टा करना है हमें क्या करना है हमारे यानी कि एजम्पशन को गलत साबित करना है तो गलत साबित करते हुए हम अपरिमेय को ई रेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार का रहा आपका ये एक्सरसाइज 1.3 का तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा या फिर बुरा लगा या फिर और अच्छे से बताने की ज़रूरत थी और दोस्तों मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए मैं ऐसा बताता हूँ कि ताकि ये CBSE बोर्ड के लोग भी समझ पाए और यूपी बोर्ड के लोग भी समझ पाए तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप हिंदी में पढ़ाइए तो मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे नहीं इंग्लिश में सही चल रहा है तो इंग्लिश में ही मैं पढ़ाते चलूँगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में इसी प्रकार का सवाल लेकर के तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत